आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आज की हमारी टॉपिक है। लास्ट क्लासेस में हमने फॉर्मूला बताया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि आप मैथमेटिक्स की ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कि प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, पावर वगैरह। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं आज लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में एक बार जाने। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कोई डेटा है, कोई फील्ड है हमारे पास, अगर मुझे पता करना है कि कौन सी पर्टिकुलर डेटा हमारे किसी कंडीशन को मैच करती है या नहीं करती, जैसे मुझे चेक करना है इसमें से 50 से बड़ा कौन कौन है, तो जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन 50 लगाएंगे और रिजल्ट हमारा ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। ट्रू इट मीन्स ये मैच कर रहा है, फॉल्स मतलब कि कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है, ग्रेटर देन 50 नहीं। अब आप लोग सोचते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इस सब कामों के लिए तो हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ का इस्तेमाल इफ जो है इस चीज के लिए नहीं बना। इफ कहता है कि अगर आप लॉजिकल टेस्ट में ट्रू देंगे तो मैं यहाँ पहली वाली वैल्यू को शो करूंगा, अगर लॉजिकल टेस्ट में अगर फॉल्स होता है तो मैं दूसरी वाली वैल्यू को शो करूंगा। तो इफ जो है ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर ही आपको ट्रू एंड फॉल्स देता है। ठीक है, अब यहां पे मैं इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ मैंने यहां बोला कि ग्रेटर देन 40 देन ओके और फिर यहां पे जो हमने A3 को ग्रेटर देन 40 कहा किया, एक्स में होल्ड कीजिएगा से एक्स में, ओके ठीक है सर, इस समय आ गया आपको। तो इफ की प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो इफ के अंदर जो ए लगा हुआ है लॉजिक इफ का पार्ट नहीं है, ये सेल्फ है, इसमें हमने इसको कंबाइन किया हुआ है, राइट। हमने इफ में इसको कंबाइन किया। अब चलिए इफ के बारे में देखते हैं। इश्यू नहीं, कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हैं, इक्वल कीजिए फॉर्मूला के इनिशियल लीजिए, लिस्ट आ जाएगा,
आप टैब प्रेस करें, फॉर्मूला अप्लाई हो और नीचे जो दिख रहा है एक एक्सप्रेशन दिखता है कि फॉर्मूले में क्या क्या इनपुट करना है। तो इसमें देखिए तीन इनपुट्स है, इसमें तीन इनपुट्स है। पहला है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स, राइट सर। तो यहां हम लॉजिकल टेस्ट देते हैं। अब यहां देखिए देखिए लॉजिकल टेस्ट जो है वो हमारा बड़ी ब्रैकेट में नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है सर। इसका मतलब है कि ऑप्शनल नहीं, एक क्वायर है। मतलब कि आप जब तक लॉजिकल टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको एक से बाहर नहीं आने देंगे। अगर आप लॉजिकल टेस्ट दे देते हैं, कॉमा लगाना पूरा होगा, तो वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स को देना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको देना जरूरी नहीं है। इसको बिना दिए भी आप बाहर आ सकते हैं। इसी में नहीं, बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे वीलुकअप भी है, तो वीलुकअप में भी देखेंगे तो लास्ट में जो ऑप्शनल लगा है मतलब ये ऑप्शनल। अब चलिए हम इस, क्योंकि हमने फॉर्मूला को लॉजिकल फॉर्मूला की कैटेगरी से स्टार्ट किया है, तो इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। संतोष जी मैं क्लास में बैठा हूं, क्लास के बाद आपको कॉल बैक करता हूं। चलिए सबसे पहले एग्जांपल, किसी कंडीशन में आपको रिजल्ट देना हो, जैसे कि मान लीजिए सेल्स है, आप चाहते हैं कि जो सेल्स है तो ओके है, अदरवाइज पेन नहीं आए, तो हमने यहाँ पे एट लगाया कि अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे ओके हो, अदरवाइज पेन नहीं हो। उसी तरह से अब यहाँ इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, सारा आ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नेम लिख देता हूं मैं, इस नेम को मैं थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, अब इसको शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट जोड़ी है, हमने इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से क्या हुआ कि जो नेम है वो नेम इकट्ठा यहाँ आ गया, यहाँ कविता आ गया, इसके नीचे मोहन आ गया। अब मुझे सीक्वेंस नंबर देना है कि कविता है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे बस नेम चेंज हो गया, अगेन 1 कर देगा, फिर 2, 3 चलता रहे। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन फॉर्मूला लगाया, हमने फॉर्मूला लगाया ध्यान से देखिएगा, इफ ए सेल जो L2 है, अगर L2 इज इक्वल टू L1, मतलब सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है उसके अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो जहां पे फॉर्मूला लग रहा है वो अपनी वाली ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 कर देगा, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करेगा। ध्यान से देखिए कंडीशन, कंडीशन कह रहा है कि L2 इज L1, मतलब कि सामने वाली वैल्यू अपने ऊपर वाली वैल्यू के बराबर है, तो नंबर को आगे बढ़ाना, मतलब कि ऊपर 1 है तो नीचे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे M1 है प्लस 1 हो गया, तो 0 है, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन मैच नहीं करता है।
फिर यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर, तो सेल नंबर जनरेट हो गया, फिर यहाँ वन से स्टार्ट कर दिया। आया समझ में सर? दीपक जी सॉरी संदीप जी एंड विकास जी, कोई डाउट इसमें? एक बार दोबारा दिखाना फॉर्मूला कंडीशन, मतलब पहले से ठीक है सर? एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है सर, आ गया। आ गया सर। चलिए अब इसी में हम इसी और करते हैं कि यहां पे मैं सिर्फ वन वन करना चाहता हूं, इस तरह से वन, फिर यहां टू हो गया तो टू करना, ठीक है ना? तो एक नंबर को, हर एक नंबर को एक ही नंबर देना है, हर एक नाम को एक ही नंबर देना है। तो शॉर्ट जरूरी है, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर ए इक्वल टू है अपने ऊपर वाले से, तो ऊपर वाली वैल्यू को शो करे, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में वन कर। तो यहां पर हमने दे दिया कि L2 इज इक्वल टू L1 इक्वल टू L2, अगर दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू शो कर दे, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में वन कर दे। तो यहां पे क्या हुआ कि ये नेम और कविता मैच नहीं कर रहा है, एन वन प्लस वन, एन वन ब्लैंक है, इसे प्लस वन करके यहाँ पे वन दे दिया। अब नीचे देखिए कि कविता और कविता दोनों बराबर है तो वो एन टू मतलब वन को ही शो कर दिया, और इस वन को शो कहां तक करेगा, जैसे उसको नया नाम मिला तो यहाँ पे देखिए कविता और मोहन मिला, तो यहाँ पे इसने अपना रिजल्ट को अपडेट कर दिया ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दिया। अब इसी में आगे कंडीशन चलते हैं, जैसे कि अब सीरियल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम अगला सीरियल नंबर देखते हैं कि मैं अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नेम है सीरियल नंबर है और यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और भी नेम के साथ जगह पे और भी हो सकता है चाहिए, तो मैं यहाँ पे वन करूंगा और यहाँ पे देता हूँ पूजा, टू लिखूंगा दूंगा नीरज, थ्री करूंगा दूंगा कविता, इस तरह से। तो ये बार बार मुझे सीरियल नंबर लिखने पर है, तो मैं यहां पे कंडीशन दूंगा इक्वल कि इफ इस ऐसा नहीं, हाँ इफ अगले अगले वाले सामने वाली वैल्यू जो नेम पे कॉलम है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो जीरो आपने क्यों किया, क्योंकि जो ब्लैंक सेल होता है उसको सिस्टम जीरो समझता है, तो जीरो है तो यहां पे ब्लैंक ही छोड़ दे, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन। नहीं 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 माफ कीजिएगा, इक्वल टू जीरो करना, इक्वल टू जीरो गलत नहीं समझा। अब यहां जैसे यहां पे लिखा उदय नीरज कविता मोहन टीना, ठीक है सर? लेकिन इसमें दिक्कत है,
दिक्कत है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके ओके यहाँ एरर आ। अब विकास जी एंड संदीप जी मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि जीरो ए एरर क्यों आया। क्योंकि सर ऊपर वाली वैल्यू ब्लैंक है इसकी। यहाँ पे अगर हम ब्लैंक करते हैं ये तो ब्लैंक है प्लस 20 किया तो यहाँ एरर नहीं है। बताइए सर संदीप जी सर सोच रहा हूँ थोड़ा एक मिनट सोचिए हम भी थोड़ा सा सोच रहे थे। किसी फॉर्मूला वाले सेल पे अपने कर्सर रख दीजिए। हेलो हाँ सर जी बोलिए सुन रहा हूँ सर। क्योंकि ऊपर वाले जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल में इन्वर्टेड कॉमा अगर जब सिंपल सी बात है कि ऊपर वाले सेल में हमने इन्वर्टेड कॉमा दिया होगा। इन्वर्टेड कॉमा जिसमें दिया जाता है टेक्स्ट में दिया जाता है। टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट में अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आएगा। टेक्स्ट में यहाँ पे टेक्स्ट हो गया तो टेक्स्ट में आर प्लस वन नहीं होगा इसलिए ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जिसका सॉल्यूशन है कि हम ये अगर ये इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक दिखाए। अदरवाइज मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया मैक्स अपने से ऊपर वाले में और प्लस वन कर दिया मतलब T1 से T1 प्लस वन और जब नीचे ड्रैग करेंगे तो पहले T1 को फ्रीज कर देंगे फिर नीचे ड्रैग करेंगे ठीक है। ऊपर अपने से ऊपर वाले तक का ही सीधे रहा। अब नीचे देखिए या देखिए अपने से ऊपर वाले को ही कर रहा है और मैक्स के अंदर में अगर ब्लैंक आया तो उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको कंसीडर करता ही नहीं। सर समझ नहीं आया एक बार दोबारा समझा। देखिए फॉर्मूला को देखिए पहले हमने फॉर्मूला बोला कि अगर S2 जीरो है तो ब्लैंक अदरवाइज मैक्स T1 से T1 प्लस हुआ सर मैक्स नहीं आता मुझे फॉर्मूला। मैक्स फॉर्मूला का काम है सिलेक्टेड रेंज में मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। तो मतलब आपने मेरा वो क्लास के शुरुआती में आपको मैंने वीडियो दिया था और नहीं देखा था इसलिए बोला था देखने के लिए छोटी मोटी चीजें आपको पता हो। मैक्स क्या करता है कि जो भी सिलेक्टेड रेंज है उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। तो हमारा आईडी क्या होगा इससे पहले रो में की गई एंट्री की मैक्सिमम वैल्यू k
की अगली वैल्यू क्या। तो इसने बोला T1 से T2, तो T1 से T2 मैच में क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा, यही होगा ना सर, और यहां प्लस 1 होगा। जी जी सर, समझ रहा हूँ फॉर्मूला। सर एक बारी बाहर आना सर, इसमें ये यही कह रहे हैं ना कि अगर T1 से T2, T1 तो सर हमारा ब्लैंक है, कोई बात नहीं, ब्लैंक है तो जीरो है। हाँ तो सर अगर ब्लैंक है, अगर मान लीजिए ये ब्लैंक है, T1 से T2 में से मैक्सिमम निकाला, उसमें अगर 1 डाल दिया तो T2 में तो हमारा ऑल क्या हुआ ना, टी से टी टी वन से टी टू है, तो टी वन क्या है ब्लैंक है, टी टू क्या है 1 है, मैक्सिमम क्या आएगा 1 आएगा ना, जीरो तो ब्लैंक को जीरो मानता है वो। हाँ तो सर उसमें अगर आपने 1 ऐड करा तो फिर 2 नहीं हो जाना चाहिए, ऐड करने के बाद रिजल्ट 2 ही आएगा ना सर। लेकिन देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को एवेलेट कीजिए तो समझना है, इतना सिंपल फॉर्मूला समझने में इतना टाइम लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंडीशन चेक हुआ तो फॉल्स हो गया, तो ये देखिए मैक्सिमम क्या कर रहा है, मैच निकाल रहा है, रिजल्ट दे रहा है 1, क्या दिया 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, वैल्यू 2, यहाँ 2 ही तो चाहिए। यहाँ देखिए सर एक बारी T2 पर आइए, देखिए T2 सेल सर एक बारी T2 पर आइए सर, T1 सर बस मेरे को एक ही चीज ये नहीं समझ आ रही, जब आपने क्या समझ नहीं आ रही बताइए। सर अगर आपने T1 से T1 ही सिलेक्ट करा है, ठीक है, आपने उसमें हाँ T1 से T1 कर दिया ताकि मैं नीचे ड्रैग करूंगा ना, तब T1 से T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, क्योंकि हमें बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा, उसके बाद जब आपने प्लस 1 लगाया तो खाली ये 1 ही क्यों शो कर रहा है, मतलब 2 क्यों नहीं शो कर रहा। क्या बोल रहे सर, ये प्लस 1 भी तो लगाया ना आपने बाद में। हाँ तो प्लस 1 नहीं करेंगे तो कैसे नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी। मैं ये कह रहा हूँ बाकी सर, पर इधर फिर ये प्लस 1, ये वाला प्लस 1 क्यों ले रहा, मतलब ये 2 क्यों नहीं हो रहा क्या सर। जैसे T1 से T1 आपने सिलेक्ट करा, मैक्सिमम इसमें होना चाहिए प्लस 1, तो उस समय हमारा T1 ब्लैंक था, इसलिए इसने 1 पिक करा। देखिए यहाँ यहाँ ब्लैंक है, इट मीन जीरो है, याद रखिएगा, सेल ब्लैंक सेल को जीरो लेती है, राइट। ठीक है सर, मैक्सिमम का रिजल्ट क्या आएगा, ना मैक्सिमम का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा ना, 1 जीरो जीरो आएगा ना, 1 कहाँ से आएगा सर, जीरो ना आएगा। हाँ जी, जीरो प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा रिजल्ट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, T1 से T2 है, हमने दूसरे वाले मैंने यहाँ पे क्या था, T1 से T1 था, तो हमने पहले वाले T1 को फ्रीज किया था, दूसरे वाले T1 को फ्रीज नहीं किया था, ठीक है। इसको ड्रैग करने से क्या हुआ कि यहाँ पे T2 हो गया। अब T2 में क्या हुआ कि ये आपका 0 और 1 का मैक्सिमम क्या आएगा, 0 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है ना, रिजल्ट 1 आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, रिजल्ट 2 आ गया। अब यहां देखिए, T1 से T3 है, तो ये आपका 0, 1, 2 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2 है। हाँ सर आ गया था मुझे, 2 प्लस 1 3 हो गया सर, आ गया था। हाँ ठीक है, चलिए अब सीरियल नंबर की बात हो रही है,
तो अगला हम ये चाहते हैं, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ लास्ट देता हूँ, लास्ट मैं बोलता हूं कि जो Y1 पे वैल्यू 10 दिया हुआ है वो 10 तक का ही सीरियल जनरेट करे, 10 से आगे का सीरियल जनरेट न करे, वो 12 हो जाए तो फिर 12 जनरेट करे, 15 हो जाए तो 15, फिर 10 हो जाए 8 हो जाए तो 8। तो स्टार्टिंग में मैनुअली हम 1 दे देते हैं, ठीक है, और यहां पे देते हैं फॉर्मूला कि इफ ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो यहां पे ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस 1 कर, ठीक है सर, समझिए सर इसको। अब नीचे ड्रैग करने से पहले मैं वाई वन को फ्रीज कर देता हूं और नीचे हमने ड्रैग कर दिया, और मुझे पता है कि मुझे मेरे पास मैक्सिमम 50 नंबर ही आते हैं तो मैंने 50 तक लेकर रख दिया, तो 10 तक सीरियल बना दिया, 11 में 0 दे दिया। अब 11 में 0 क्यों दिया, वही सेम सिचुएशन, क्योंकि ब्लैंक में वो प्लस 1 नहीं कर पाया, क्योंकि V12 जो है वो ब्लैंक है तो इसमें वो प्लस 1 नहीं कर पाया, तो मुझे एरर के जगह पे ब्लैंक चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का, इफ एरर में अगर एक पोजीशन जो है अगर वो ब्लैंक दिया तो दूसरे में क्या करेगा, वो दूसरा रिजल्ट दे देगा, और फिर इसको हमने नीचे पर ड्रैग कर दिया। अब हुआ क्या कि इसमें यहां पे ए इफ का फॉर्मूला एरर दिया, वैल्यू का एरर दिया, तो इफ ने क्या किया कि अगर इसमें एरर हुआ तो ब्लैंक को शो कर दिया, क्योंकि इफ के पास दो इनपुट्स होते हैं, अगर एक इनपुट्स में एरर दिया तो फिर दूसरा को शो कर, ठीक है सर। संदीप जी समझ में आया, यस सर। सर जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे, जैसे हमने एकदम इस एरर स्टार्ट करा, और सर मेरे को ये दो तीन चीजें नहीं आती सर, इस एरर नहीं आता, और ये सेल्फ ना तो बताया समझाया ना कि इस एरर कभी अकेला काम नहीं करता है, इस एरर के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला लेना ही पड़ेगा। इस एरर का काम है कि जो इसके अंदर जो है, जो एक फॉर्मूला आपने दिया है, अगर वो फॉर्मूला एरर दिया तो फिर वो उसके जगह पे दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो जैसे यहाँ पे एवलेट करेंगे तो पता चलेगा कि इस एरर ने क्या किया, इसको चला दिया, इसका रिजल्ट आता तो शो करता, इसका रिजल्ट आया तो उसने टू को शो कर दिया, जैसे वो नीचे चला तो इसका रिजल्ट जो है वो एरर आया तो इस एरर ने क्या किया, दूसरे वाले कॉमा के बाद दूसरा पोजीशन है उस पर, जहां पे एरर के जगह पे, सिंपल सी बात समझ जाइए, जहां पे आपको एरर के जगह पे कोई और चीज चाहिए, जैसे कि यहां पे चाहिए, अगर आप इस एरर नहीं लगाएंगे तो फिर आपको नीचे एरर वैल्यू एरर ही दिखेगा, फिर उसी को लेना पड़ेगा, लेकिन एरर के जगह पे जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे एरर नहीं चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मूला तो लगेगा, क्योंकि मैं करके डेट में आप 15 करूंगा तो 15 तक जाएगा, 20 करूंगा 20 तक जाएगा, 25 करूंगा तो 25 तक जाएगा, फिर मैं यहाँ पे 8 कर दिया तो 8 तक आया, यहाँ एरर आएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग फाइल में अच्छा नहीं दिखेगा, तो इस एरर के जगह पे हमें ब्लैंक या जीरो या कोई मैसेज जैसे कि डॉट एन ए वगैरह चाहिए, तो इस केस में हमने इस एरर का इस्तेमाल किया, समझे। अब इसको ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं,
इसको आप बैठ के ट्राई कीजिए, फिर इसके अपने हिसाब से दो तीन एग्जाम्पल आप सेट करें, फिर कल के डेट में हम बताएंगे आपको कि तो हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल होगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। अभी तो मुझे वो भी नहीं समझ सर, जैसे कि सेल फ्रीज कैसे करते हैं, मतलब वो जो एक वैल्यू लॉक करते हैं, मुझे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर, तो आपने कहा था कि आगे की क्लासेस में ये कवर कराऊंगा, तो सर मुझे सर जैसे ये जो आपने वाई वन एक वैल्यू फ्रीज करी है सर, ये मुझे फ्रीज नहीं करोगे तो वाई टू हो जाएगा सर, मुझे फ्रीज करना ही नहीं आता सर, डॉलर लगाना है सर, क्या करना है इसमें, डॉलर टाइप करना नहीं आता आपको सर, डॉलर टाइप करना आता है, बट कहाँ टाइप करना है ये नहीं बताना, यहाँ पे जरूरत हुई है टाइप करने की, यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई एक वैल्यू फिक्स है उसको कई सारे सेल में अप्लाई करना है तो आप ड्रैग तो नहीं कर सकते ना, अगर मैं यहाँ पे वाई हटा दूं, सिंपल सी बात इसमें है कि आप इसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो वाई टू हो जाएगा, अभी कोई बताने वाली बात तो है नहीं, ये तो हमेशा यूज करते हैं आप, और देखते हैं जैसे ड्रैग करते हैं आपका रेफरेंस इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाने से पहले बचने के लिए आप दोनों तरफ डॉलर लगा दीजिए, इंक्रीज नहीं होगा। सर मुझे यही तो आपसे सर समझना था कि मतलब कहां पर मतलब डॉलर साइन वगैरह लगाना है, तो जब तो मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि जो जिस रेफरेंस को हमें इंक्रीज नहीं करने देना है, अब नहीं करने देना है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे आया तो मैंने बता दिया कि नहीं आने देना है, कल के डेट में कहीं और आएगा, कल परसों में कहीं और आएगा, वो तो अलग अलग तो आपको खुद सोच से करना है, इसके लिए कोई आपको रूल नियम नहीं है, हर फॉर्मूला पे सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर अगर मुझे जैसे पर्टिकुलरली V1 को या Y1 को ही फ्रीज करना था तो हमें कहाँ पे एग्जैक्टली डॉलर कैसे लगाने चाहिए, मुझे ये चीज नहीं पता सर, और अगर मेरे को नहीं पता तो सर मैं आपसे तो पूछूंगा, तो डॉलर अप्लाई तो करना है इसमें बस, देखिए डॉलर अप्लाई हो गया, इसमें शॉर्टकट F4 होता है, अगर शॉर्टकट ना पता हो तो मैनुअल टाइप कर दीजिए। सर ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, छोटी चीजें पता नहीं होगी तो फिर आपको बेसिक क्लास में मूव करना पड़ेगा, मैंने आपको कह रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये चीज पूछी थी, तो आपने कहा था ये आगे जाके कवर होगा, इसलिए फिर मैंने बीच में कवर तो हो ही रहा है ना, मैं आज भी बताया कि इसको फ्रीज कर देना है, ऐसे फ्रीज करना डॉलर लगा देना, तो डॉलर कैसे लगा, तो सिंपल सी बात है डॉलर को टाइप करना है, रेफरेंस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये रो होता है, ए वाई रो होता है, एक कॉलम होता है, आपको फ्रीज करना है तो रो को फ्रीज दोनों का आगे डॉलर लगा दीजिए, एक को करना है एक का लगा दीजिए, अब कब करना है, सिंपल सी बात है जब आपको इंक्रीज ना करने देना है, अब कहां नहीं करने देना है ये चीजें फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है आपके फॉर्मूला आपके डेटा आपके रेफरेंस के ऊपर, अब इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग एंगल से लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बस इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं समझ में आता है तो कल 10 बजे ज्वाइन कीजिए, हम आपको एक क्लास डॉलर पे दे देते हैं आपको, ठीक है सर आप मुझे बता दीजिए सर, मेरे को ये डॉलर वाली और मेरे को वही दिक्कत है संदीप जी की, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा, और ये सब चीजें जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी ना इसलिए भेजी थी कि छोटी छोटी चीजें आप पहले से खुद से सीख लो, फॉर्मूले वगैरह में तो आपको बहुत दिक्कत होगा, सो प्लीज ध्यान दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जहां पे 4 लाइन 5 लाइन फॉर्मूले होगी उसमें तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपसे एग्जाम्पल चाहिए लिख के, एक
तो मैंने बताया अभी आपको, इसके सामने मैंने चार एग्जांपल दिए हैं, मुझे इसके एग्जांपल आप बना के दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कल चाहिए होगा क्लास डॉलर साइन पे तो बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है।